मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शिमला पार्क तालाब के पास में एक मस्जिद में आज जुमा की नमाज के पहले ही आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है करीब 12 बजे के आसपास में ये आग लगी है। आग शिमला पार्क तालाब के पास मस्जिद बैतुल सलाम के पहली मंजिले पर एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी। एसी में आग लगने के वजह से जो मस्जिद में बिछाई गई थी कारपेट उसमें भी आग पकड़ लिया और धो धोकर जलने लगा। आग लगने की घटना सामने आने के बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकल विभाग के कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि आज जुमा का दिन था और बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं और इसके पहले ही यानी कि 12 बजे के आसपास में शिमला पार्क मस्जिद में जो है आग लगने की घटना ये सामने आई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लेकिन वक्त रहते दमकल कर्मी पहुँच गए और आग को बुझा लिया गया है। सर्टिफिकेट हुआ है जबरदस्त आग लगी थी, अलहमदुलिल्लाह हालत काबू में।